हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर, हमने अपनी आंसर शीट की पीडीएफ बना के जो यूनिवर्सिटी ने हमें ईमेल प्रोवाइड की थी उसके ऊपर सेंड कर दी थी, बट आज हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि जो आपने ईमेल सेंड की थी वो सेंड नहीं हुई है। तो उसी से रिलेटेड भाई आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या है। इससे रिलेटेड मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात की है, यूनिवर्सिटी से क्या मैसेज मिला है वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। उसके अलावा भाई स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्टूडेंट को कुछ इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि देयर वॉज अ टेम्परेरी प्रॉब्लम व्हाइल डिलीवरिंग यूअर मैसेज टू एग्ज़ाम 2020 gck@gmail.com। Gmail will retry for 47 hours. You will be notified if the delivery fails permanently. यानी कि ये मैसेज आ रहे हैं, कल पेपर था 11 सितंबर को स्टूडेंट का और उन्होंने यूनिवर्सिटी को पीडीएफ बना के सेंड कर दी थी ईमेल के ऊपर, बट आज उनके पास मैसेज आ रहे हैं कि सर, जो आपकी पीडीएफ थी वो सेंड नहीं हुई है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है भाई, आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो स्क्रीनशॉट है वो होना चाहिए जो आपने ईमेल सेंड की थी उसका, ठीक है। वो फेल का स्क्रीनशॉट प्लस में पीडीएफ बना के दोबारा से उसी मेल के ऊपर सेंड कर दो भाई, ठीक है। आई रिपीट, आप लोगों के पास जो फेल हुआ था या आपके पास जो मैसेज आया हुआ है कि आपकी जो ईमेल थी वो सेंड नहीं हुई है, उसका स्क्रीनशॉट लो। उसके अलावा जो आपकी पीडीएफ है उसको प्लस उस स्क्रीनशॉट को उसी ईमेल के ऊपर दोबारा से सेंड कर दो, ठीक है। यही सॉल्यूशन भाई मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, मैंने वहाँ पर बात की थी तो उन्होंने ये कहा है भाई इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाएगी और वो कमेटी इसका फैसला लेगी, स्टूडेंट के साथ जस्टिस किया जाएगा और उनकी जो आंसर शीट है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक बार ही भाई रिकॉर्डिंग सुन लो, आज मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर बात की थी तो देखो आप लोग, उन्होंने भी यही बोला है जो मैंने आप लोगों को बताया था। हेलो हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और आपका नंबर मिला था सर। अच्छा, वो एक्चुअली है ना स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, जैसे उन्होंने कल जीमेल सेंड की थी ना सर, जैसे पेपर करके A4 बना के पीडीएफ सेंड की थी तो जीमेल के ऊपर, हाँ। वो उनकी अब आ रही है कि आपकी जो जीमेल सेंड की थी वो अभी सेंड नहीं हुई है। अच्छा हाँ, तो उस बारे में सर, जो एग्जाम 2020 ऐसा कुछ है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है सर, मैं बताता हूँ आपको। सर एग्जाम 2020 gck। अच्छा हाँ, तो उसमें मान बाउंस बैक हो रहे हैं तो उसका एक रीजन तो ये है कि मेल बॉक्स फुल हो गया होगा। यस सर। दूसरा रीजन ये होता है कि गूगल का जैसे जीमेल होता है ना, यस सर, इसमें एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं तो वो गूगल वाले भी उस ईमेल को ब्लॉक कर देते हैं। यस सर। तो ये रीजन रहा होगा उसमें ऐसा होने का। तो सर इसका कोई सोल्यूशन? सर सॉल्यूशन तो वो ये है कि अब भेजा जा सकता है तो भेज दें, अपनी रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी को भेजें कि इस तरह से हमने किया था, और फिर कोई कमेटी बैठ करके इसका कोई डिसीजन ले लेंगे। ओके सर, जैसे मैंने उनको बोला, जैसे मेरे से लगभग आज की बात की जाए तो 8000 के करीब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो अच्छा। मैंने उनको यही बोला है कि आप एक काम करें, जो आपकी ईमेल का जो अभी स्क्रीनशॉट आया नहीं कि वो सेंड नहीं हुई, वो स्क्रीनशॉट लेके साथ में पीडीएफ दोनों अटैच करके सेंड कर दो दोबारा। हाँ सेंड कर दें। हाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी भी हो सकता है यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हो, जैसे हमने किए। ओके सर, डिजाइन डिपार्टमेंट से। ओके सर, ओके ठीक है, तो उस पर भेज दें, क्योंकि नई तरह की प्रॉब्लम आ गई ना, तो ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। हाँ सर, इसलिए मैंने तो यही एडवाइस हाँ। किया कि आप अपना स्क्रीनशॉट लो जो ईमेल आपके पास अभी फेल हो गई है सेंड होने के लिए, और दोबारा से उसको सेंड कर दो और स्क्रीनशॉट साथ में लगा के भेजो। साथ में लगा दो। हाँ, आपने ठीक एडवाइस किया है। ओके सर, थैंक यू सर, आपने कीमती टाइम दिया सर। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। और हाँ भाई, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सारी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके।